हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स वाले ऑब्जेक्टिव। इससे पहले हमने केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी वाले देख लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से आप पूरे चैप्टर जो आपके हैं, ये क्या कहते हैं फिजिक्स वाले, मैं उसमें से सारे चैप्टर को मैंने क्लियर किया है। जैसे कि 10 of 14 के बीच सभी जो फिजिक्स वाले चैप्टर हैं उसे मैंने लाया है। उसे आप देखिए, समझिए और आंसर कॉपी में लिख के देख लीजिए कि आप कितने स्कोर कर पाते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं, आगे चलते हैं, मिलते हैं, नहीं इतना जल्दी नहीं जाना। कहते विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कांट बी यूज टू मेक ए लेंस। कौन सी चीज़ें जो हैं नीचे में, उनमें से क्या हम ये लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है वाटर, दूसरा ग्लास, फिर प्लास्टिक और देन क्ले है। तो हम जानते हैं कि किसी भी लेंस बनाने के लिए उसे पारदर्शी होना चाहिए। तो पानी भी पारदर्शी, ग्लास भी और प्लास्टिक भी होते हैं, लेकिन ये नहीं होते, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं गाइस। द इमेज फॉर्मेड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्वेड टू बी विजुअल इरेक्ट एंड लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कहता है कि कॉनकेव मिरर के साथ यदि कोई इमेज क्या करता है, विजुअल बड़ा सीधा और वास्तविक बनाता है, तो क्या कहाँ रहेगा। तो पहला जो ऑप्शन है आपके पास क्या है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कॉनकेव, एंड फिर तीसरा है एट द कॉनवेज, एंड सेकेंड है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कॉनवेज, एंड फिर है आपका बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, बिटवीन पोल ऑफ मिरर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ठीक है गाइस, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेसड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस को कहाँ रखा जाए कि उसका रियल इमेज जितना वास्तविक उस किसी वस्तु का है उतना ही बन पाए। तो इसे हम देख लेते हैं, पहला है एट द प्रिंसिपल फोकस पर, दूसरा है एन इनफिनिटी, फिर है एट ट्विन्स ऑफ फोकस लेंथ, यहाँ गलती हो गया, बिटवीन द फोकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी नंबर, एट द ट्विन्स ऑफ फोकस लेंथ। आगे की ओर हम बढ़ते हैं गाइज। ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो कहता है कि हमारे पास क्या है, एक गोलीय दर्पण है और गोलीय क्या है, लेंस भी है। अब दोनों को हम क्या कर सकते हैं, 25 सेंटीमीटर की फोकल दूरी पर रखते हैं, तो दोनों कैसे काम करेंगे। तो दोनों चॉइस का सीधा सा आंसर हो जाएगा ए, बोथ कॉनकेव की तरफ, कॉनकेव की तरह करेंगे, कॉन्वेक्स की तरफ नहीं करेंगे, और मिरर इज कॉनकेव एंड द लेंस इज को भी ऐसा भी नहीं होगा, द मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉनकेव ऐसा भी नहीं, दोनों कॉनकेव की तरह काम करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है नो मैटर हाउ फार यू फोर हो गया है, फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अवेयर इरेक्ट द मिरर इज लाइकली। कहता है कि इससे आप क्या, ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ हैं, लेकिन आपका जो इमेज है वो क्या हो रहा है, सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो ये कौन सा दर्पण होगा, कौन सा, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है प्लेन, कॉनकेव, फिर कॉन्वेक्स, और है ये नाइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो इसका आंसर यही होगा डी वाला। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letter found in a dictionary? कहता है कौन सा आप प्रेफर कीजिएगा किसी व्यक्ति को यदि कोई डिक्शनरी से छोटे छोटे महीन शब्दों को पढ़ रहा है। तो पहला ऑप्शन है ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ
50 सेंटीमीटर, फिर है कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, फिर है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर, फिर है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हमारे चार से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उसे सही सही दिखाई देगा डिक्शनरी वाले सारे चीज़। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आगे की ओर देख लेते हैं क्या है। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, कहता है कि से हम कोई मानव की आंखें क्या करती है, एडजस्ट करती है किसी अपने आँख के लेंस के द्वारा किसी वस्तु के से आए हुए फोकल दूरी को। तो वो कैसे होता है, तो पहला हो जाता है प्रिस्पोडिया, और दूसरा होता है एकोमोडेशन, फिर नियर साइटनेस, फिर फार साइटनेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एकोमोडेशन, जिसका मतलब होता है सामंजस्य करने से ही व्यक्ति लेंस को एडजस्ट कर पाता है। कि देखते हैं, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑन एन ऑब्जेक्ट इट। अब ह्यूमन क्या करता है, कहाँ पे अपना इमेज बना पाता है, तो एक है कॉर्निया, इरिस, फिर उसके बाद रेटिना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिना। आगे की ओर हम बढ़ते हैं गाइस। द लेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्स विजन फॉर ए यंग और एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट ऑफ, कहता है कि से किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छा यंग आदमी के लिए एक सही से देखने की नॉर्मल विजन क्या है। तो वो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर भी नहीं होंगे 25 सेंटीमीटर ही सही इसके आंसर हैं। आगे बढ़ लेते हैं हम। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द फोकस ऑफ द, कहता है कि वो आई में क्या होता है, चेंज हो जाता है फोकल लेंस। तो इसका कारण क्या है, तो इसके कारण क्या होता है, एक्शन किसके कारण ये चेंज हो पाता है, तो ये हो जाता है प्यूपिल के द्वारा, रेटिना के द्वारा, सीलियरी मसल्स के द्वारा, या फिर इरिस के द्वारा। तो इसका सीधा से आंसर हो जाएगा गाइस सी नंबर, सिलियरी मसल्स के द्वारा ये चेंज हो पाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा। अब हमारा चैप्टर है, देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी। आगे की तो कहता है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, देयर पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर देन द रेशियो आर आर। तो यहाँ आर आर का रेशियो क्या होगा वो पूछ रहा है हमारे पास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन क्या हो जाते हैं, 1/25, 1/5, 5 या 25 होगा। तो इसका जो आंसर होगा 25 होगा, यहाँ आर आर का जो रेशियो होगा वो 25 होगा। आगे की ओर बढ़ते गाइस। कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट, कौन सा जो है क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का सर्किट नहीं, सर्किट का नहीं पावर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये स्क्वायर में है गाइस, आई स्क्वायर आर, आई टू स्क्वायर आई वी, और ये हो जाएंगे क्या है वी स्क्वायर आर बाय आर। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे आई आर स्क्वायर, ठीक ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एन इलेक्ट्रिक वॉल
बल्ब इज रोटेट 222 वोल्ट एंड 100 वाट वाट इज द ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट एंड द पावर कंज्यूमड विल बी कितना कंज्यूम करेगा यदि उस पर 110 वोल्ट लिखा रहेगा 220 रहता है तो 100 वाट होता है तो उस पर यदि 110 लिखा रहेगा तो कितना हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा गाइस 25 वाट हो जाएगा गाइस। ठीक है आगे की ओर बढ़ते हैं टू कनेक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड टू इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स एंड फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी क्या रेशियो हो सकता है यदि दो वायर हैं जिस एक ही मेटल के और उसको क्या क्या फर्स्ट को कनेक्ट किया है पैरेलल में दूसरा है अलग डिस्टेंस में तो इसके क्या हो सकते हैं तो इसके जो डिस्टेंस होंगे वो हो जाएंगे देख लेते पहले ऑप्शन वन रेशियो टू रेशियो वन रेशियो फोर और फोर रेशियो वन तो इसके हो जाएंगे क्या हो जाएंगे तो वन रेशियो फोर हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए इसमें हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग करंट करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लार्ज लॉन्ग स्ट्रेंथ वायर तो क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो पहला है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ लाइन पेपेंडिकुलर ऑफ वायर फिर है हमारे पास द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ लाइन पैरेलल टू वायर द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम द वायर द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिंग सर्किट्स सेंटर्ड ऑन द वायर तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा डी नंबर ही द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कनेक्ट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर इसका यही आंसर होगा। आगे की ओर हम पढ़ते हैं गाइस द फेनोमेनल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रूजन फेनोमेनल क्या इंट्रोड्यूज करते हैं तो इसका जो ऑप्शन है पहले वो देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी द प्रोसेस ऑफ जेनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट पासिंग थ्रू ए क्वाइल फिर प्रोड्यूसिंग इंक्लूड करेंट इन ए क्वाइल ड्यू टू रिलेटिव मोशंस बिटवीन ए मैग्नेट एंड क्वाइल द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ए क्वाइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सही जो आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा सी प्रोड्यूसिंग इसका अलग से कर लेती मैं प्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूस करंट इन ए क्वाइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक एंड द क्वाइल ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम गाइज आगे हमारा है द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए कौन सा इसमें से डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करता है तो पहला है जनरेटर फिर गैल्वेनोमीटर फिर एमीटर फिर मीटर तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा जनरेटर। आगे की ओर देख लेते हैं द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर दैट क्या इसके अलग अलग ये हो जाएंगे डिफरेंस हो जाएंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके जो हैं पहला ऑप्शन वो देख लेते हैं वो पहला ऑप्शन है एसी जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोग्राम वाइल्ड ए डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट फिर हमारे पास है डी जनरेट विल जनरेट ए हाई वोल्टेज एसी जनरेट विल जनरेट ए हाई वोल्टेज और उसके बाद हो जाएगा एसी जनरेट हैज स्पिलिंग वाइल्ड द डीसी जनरेट हैज ए कम्यूटेटर
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए जनरेट हैज स्लीपिंग वाइल्ड, डी सी जनरेट हैज ए कम्युनिकेटर। आगे और हम बढ़ते हैं गाइज। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इज द सर्किट, कहता है कि जब हम शॉर्ट सर्किट लगता है तो करंट की क्या स्थिति होती है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो रिड्यूस सबस्टेंशली डज नॉट चार्ज इंक्रीज हैवली वेरी कॉन्स्टेंटली, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इंक्रीज हैवली। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा वोल्टेज बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। आगे की ओर देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो है कि सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। ए सोलर वाटर हीटेड, सोलर वाटर हीटेड कांट बी यूज टू बी गेट हीट वाटर, तो किस दिन हमें सोलर वाटर को गर्म नहीं महसूस करते, तो ये हो जाएगा से ए सनी डे, फिर है क्लॉडी डे, हॉट डे, वाली डे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक क्लॉडी डे, बादलों वाले दिन में ये ऐसा नहीं कर पाता, हीट पानी नहीं कर पाता है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे की ओर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, कौन सा एक बायोगैस का एग्जांपल नहीं है, तो पहला है वुड, तो इससे होता है गोबर गैस, वो भी होता है कोयला, कोयले से भी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं गाइस। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी बी यूज रिप्रेजेंट स्टोरेज सोलर सिस्टम, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम द सन्स एनर्जी, कौन से ऐसे एनर्जी है जो सन्स एनर्जी से ड्राइव नहीं हो रहे हैं। तो इसका जो देख लेते हैं, पहला है जियोथर्मल एनर्जी, फिर वाइंड एनर्जी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी, फिर बायोमास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, जो सन्स नहीं हो रहे हैं। आगे की ओर देख लेते हैं गाइज। यहीं तक था, तो आपको चल हो गया 5 मिनट बायोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो यहीं तक था। और 15 में जो है 15 लेसन जो है हमारे पास, उसमें तो बायोलॉजी है 16 में भी है। तो यहीं तक हमारा फिजिक्स वाला जो चैप्टर था मैंने उसे लाया, आप इसे चेक कर सकते हैं आप कितने स्कोर सकते हैं और उसके सही आंसर तक जा सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चैप्टर वाले अंत जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन होते हैं उसे समझेंगे, तो कल से उस वीडियो पे हम आते हैं। ठीक है गाइस, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें। बाय।